अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के मौके पर आयोजित मैराथन दौड़ में खेल मंत्री संदीप सिंह, पहलवान योगेश्वर दत्त, स्थानीय विधायक सुभाष सुधा पहुंचे। कुरुक्षेत्र पुरुषोत्तमपुरा बाग में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के मौके पर मैराथन का आयोजन किया गया, लेकिन आज मैराथन कम खेल मंत्री अपने एक्शन मूड में ज्यादा दिखाई दिए। उन्होंने लापरवाही बरतने पर दो कोचों को सस्पेंड करने के आदेश दिए और खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि वह जल्द ही एक सीक्रेट फ्लाइंग टीम का गठन करेंगे जो सीधा खेलों पर निगरानी रखेगी। अधिकारी कर्मचारी जो ढिलाई और लापरवाही बरतते हैं उन पर तुरंत एक्शन होगा। खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि जो अधिकारी सरकार से काम के लिए तनख्वाह लेते हैं अगर वह ढंग से काम नहीं करेंगे तो उनका यही एक्शन होगा। ने कहा कुछ अधिकारी जो हैं कोच हैं कुछ या वो अधिकारी हैं जो सही ढंग से काम नहीं करते, सख्ती दिखाएंगे एक्शन मोड में, जिस तरह गब्बर एक्शन मोड में सेकंड गब्बर। देखिए मुझे वो चीज़ पसंद नहीं है कि सुबह कोच लोग आए चाय पिए बिना ट्रेनिंग दिए चले जाएं, यहाँ अपनी मनमर्जी से आए या मनमर्जी से जाएं, तो वो पसंद नहीं है। ये रडार गन में जो आ जाएगा, मेरी फ्लाइंग टीम बना रहा हूँ स्पेशल टीम जो सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ टच में रहेगी, और ऐसे कोचेस को पनिशमेंट में मिलेगी और स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा उनके अगेंस्ट, क्योंकि हमने बच्चों को बनाना है। और अगर गवर्नमेंट किसी को सैलरी दे रही है उनके काम के लिए दे रही है, सेकेंडली सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ मैं चाहता हूँ कि जितने बच्चे चाहे ग्रास रूट के हों, जो प्रो एथलीट हों, चाहे प्रो एथलीट मतलब जो देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो एक अच्छे मुकाम पर पहुँच चुके हैं, तो उनके लिए मुझे हर वो चीज़ सुविधा देनी है जिससे कि वो और आगे बढ़ सके। दो कोचों को सस्पेंड किया गया है, देखिए जो इनडिसिप्लिन करेंगे, जो गैर हाजिर रहेंगे, एबसेंट रहेंगे, उनके अगेंस्ट एक्शन लूँगा। तो उनमें दो आए हैं, आगे और भी कोई आएगा तो उसके ऊपर भी अगेंस्ट। पेवा के भी कोई दो अधिकारी जो आपके रडार पर हैं? देखिए अगर कोई काम नहीं करेगा तो डेफिनेटली उसके अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उनको बताया जाएगा कि आपको, फिर वही बात आती है सैलरी की, कि आपको अगर तनख्वाह दी जाती है काम के लिए दी जाती है, घर पे बैठने के लिए या हॉलीडे करने के लिए नहीं। एक्शन मोड जारी रहेगा आपका? ऐसे ही रहेगा जी। थैंक यू सो मच।